असलम के प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही अलग सा पराठा लेके आई हूँ, मुगलाई पराठा। और ये बहुत मज़े का बनेगा। इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल से इसके हैं, तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को मत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को मत दबाएं। नए आने वालों को वेलकम, आपके व्यूज़ का मुझे इंतज़ार रहेगा। और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, प्याज हमने कर ली है ब्राउन, एक टेबलस्पून प्याज है, एक टीस्पून हरा धनिया, एक हरी मिर्च जो मैंने चॉप कर लिया है, एक पिंच नमक और आधा चाय का चम्मच ये दरा मिर्च। ऑयल लेंगे फ्राई करने के लिए, और एक पेड़ा जो आम घर में आप यूज़ करते हैं आटा, उसका एक पेड़ा। सिंपल से हमने से रोटी बेलते हैं, गोल वैसे बेल लेनी है। आज इसमें आप चौरस पराठा भी सीख लेंगे, और चौरस पराठा ही हम बनाएंगे, चकोर पराठा है इसका हम, और चकोर पराठे में हम इसकी फिलिंग करेंगे। दो अदद अंडे भी हम इसमें यूज़ करेंगे। ये मैं आपको एक पराठे की फिलिंग सारी बता रही हूँ। ये मैंने एक गोल रोटी बेल दी है, ये देखें। इसके बाद हम घी लगा देंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से। सारी साइड्स पे हम इसको एक कोना ऐसे और दूसरा कोना ऐसे इसके ऊपर, फिर थोड़ा सा ऑयल इसकी सारी तहों में चला जाए। ये देखिए, पहले ऐसे और फिर ऐसे। देखें जी हमारा, अब हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर खुशका डस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको इसी शेप में हमने बेलना है, चकोर शेप में। साइड चेंज करते जाएं और इसको ऐसे बेलते जाएं। बहुत पतला नहीं बेलेंगे हम इसको। देखिए जी, चकोर पराठा मेरा बेला गया। ये देखें, उसका हमने इतना ही बेलना था। मैंने दो अंडे इसका मैंने फेंट लेना, और जितने भी इन्ग्रीडियंट्स हैं सारे मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको अच्छे से फेंट लें। बारी बारी करके सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल दें। ये देखिए, कभी भी आपने इसकी स्टफिंग पहले रेडी नहीं करनी, पहले आपने पराठा रेडी कर लेना, उसके बाद आपने इसकी स्टफिंग रेडी करनी है। तब आपने प्री हीट कर लें। ये मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा घी आप डाल के सला फैला दें, हाफ एक टीस्पून। उसके ऊपर हम अपना पराठा डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए पराठा पक रहा है एक तरफ से, देखिए हल्का सा पक गया, और इसकी तह खुद बहुत अब खुल रही है। जो हमने इसकी तह बनाई थी इसकी स्टफिंग के लिए, अब खुद से इसकी तह खुल रही है। देखिए व्यूअर्स, एक तरफ से इसकी तह खुद बहुत खुल रही थी, मैंने खोल के अब इसके अंदर में आई अंडा, जितना भी फिल हो सकता है। पूरा नहीं डालना आपने, जितना इसके अंदर आ जाए तो आपने ही डाल देना इसको यहाँ से ऐसे। ये देखें व्यूअर्स, जब तक हमारी एक साइड, अब हम इसको हमने लो फ्लेम पे नहीं पकाना, थोड़ा सा हम लो से थोड़ा सा तेज़ रखेंगे, हाई मीडियम से थोड़ा सा कम और लो से थोड़ा सा तेज़। अब स्टफिंग इसके अंदर जा चुकी है, थोड़ी सी बची भी है इसके अंदर, मैं उससे हम इस जगह पर आके हम इसमें ऑयल डालेंगे इसके अंदर साइडों पर, फिर ऑयल के साथ पके। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जब एक साइड पक गई तो हमने इसको पलट दिया, और बहुत मज़े का ये रेडिश सा कलर है, दूसरी साइड पक रही है इसकी। जब तक एक साइड पकना जाए तो दूसरी साइड को चेंज ना करें। और इसके एक टिप ये भी है कि अंडा तब अंदर से पक जाएगा जब ये फूल जाएगा पराठा। देखें जी, पक के हमारा पराठा रेडी हो गया, मुगलाई पराठा। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा लग रहा है। ये देखें व्यूअर्स, बहुत मज़े के, ये देखें ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर वालों के साथ, और एक दो प्रैक्टिस के बाद ये भी आपका बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। इसी रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, आपके व्यूज़ का मुझे वेट रहेगा। इसी रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान।